हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास 9 का, यहाँ पे देख सकते हो, संस्कृत का लेके हाजिर हो चुका प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव आंसर के लेकर इस वीडियो में हाजिर हो चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूरा बना दिया। ठीक है, एक से लेकर जो 100 क्वेश्चन था इसमें से 50 चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत क्वेश्चन बना दिया जो आपको ईजिली आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव की वीडियो अगर नहीं देखी है तो लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी का। जाकर जो जो वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। खंड ब है ना, 1 से 100 तो ऑलरेडी मैंने करा दिया ना। चलिए यहाँ पे खंड में देख लीजिए बच्चों, खंड ब है विषय निष्ठ प्रश्न, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए गद्यांश दिए हुआ है पहला खंड में कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दिए, है ना। तो यहाँ पे पढ़ना और पूरा का इसी में आंसर दिया रहता है। गद्यांश तो आप लोग को मालूम है ना। उससे पहले मैं बताइए आप लोग कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया, बढ़िया कि नहीं? तो आप लोग बताइए, बढ़िया चल रहा है क्लास वगैरह आप लोग का? ठीक है, तो इस तरीके से अगर हेल्प चाहते हैं हमसे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मज़ा आएगा। इस बात को याद रखें। ठीक है, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हेल्प चाहते हैं कि नोट्स वगैरह मिलते रहें, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। फिर बच्चों टेलीग्राम का लिंक है, तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर जाके क्योंकि टेलीग्राम में आपका ही हेल्प होगा। ठीक है बच्चों, ओके। और मीटिंग में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जरूर आप लोग तैयार करें। ठीक है, देखिए जहाँ से आपको सीखने को मिले वहाँ से जरूर सीखें, और हम वही आपको नोट्स देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए पहला, देख लीजिए जैसे हिंदी में होता है ना उसी तरह से गद्यांश से एक का है, हिमालय शोभा अति मनोहर मनोहरिणी भी रहते, कुत्र चिल्लता चिल्लता पुष्प वेष्टितो तो वन प्रदेशा क्वचितम तपो भूमया सन्ति अस्य दक्षिणाशान दिशि बिहार प्रदेशा वर्तते अस्मिन् प्रदेशे राजगृहम अपुरी बोधगया हरिहर क्षेत्रम च प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति बिहार प्रदेश किसी प्रधान प्रदेश अस्ति, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ इसी में से पूछता है, एक पद में तो यानी एक पद में ही जवाब देना है ना। जैसे पहले क्वेश्चन है कृषि प्रधान प्रदेशा अस्ति, तो कृषि प्रधान देश कौन है? तो बस बिहार प्रदेश हो गया, एक पद में हो गया बच्चों, है ना। बस यहाँ सीधे बिहार लिख सकते हैं, ऐसे देना है ना, दो नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप जवाब देते हो, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो उस तरीके से मैंने इसका पूरा बना दिया है, यहाँ तक पूरा मैंने बना दिया। पहले मैं आपको गद्यांश दिखा देता हूँ, उसके बाद आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला भी दिखा देते हैं आपको फिर, अथवा अगर ये नहीं आता तो अथवा लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ब वाला देख लीजिए। अब ब में एक का, ब का भी देना है ना, ब का में भी एक करेगा दो रहेगा। जैसे प्राचीन कला ऋषि नवाश्रमेशु पठनस्य व्यवस्था आसीत, है ना, छात्रा आश्रमेशु गत्वा तत्रैव निवसन्ति सम आश्रमस्य नियमान पालयन्ता अध्ययनं समाप्य स्वगृहं गच्छन्ति स्म भिक्षुकस्य बालको निपृश्य कुमारो वा गुरु गृहे समान रूपे नैव निवास निवासम करोत इति रीति भारतस्य, है ना। दिवा तो इसमें जो दिवा एक पदन में इयन कस्ती रीति, है ना। तो कैसा बाबू? तो इति रीति भारत है ना, इति रीति क्या है? भारत है कि नहीं? बिल्कुल है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो एक पद में के आश्रम से निवासी, तो यहाँ पूरा अपना मैं आंसर दे चुका हूँ इसका भी, और दूसरा भी पूर्ण वाक्य उत्तर उसका भी दिया हूँ। अब अथवा उन याद रख, तो लेकिन हमको मालूम है। अब उसके बाद देख लीजिए इसका आंसर मैं चलिए आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग बुक वाले में आएंगे। ठीक है, हाँ, तो पहले बच्चे देखिए इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ नहीं कि आपको सब्जेक्ट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से आइए और यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको आंसर बता देते हैं पहले बच्चों, देख लीजिए जैसे एक का आंसर पहले बच्चों, एक आई का मतलब पहला का जो आंसर बिहार प्रदेश है ना, दूसरा का देख लीजिए एक का यहाँ पे आपके यहाँ पे दो होगा, दो का ख आंसर पहले बच्चों देख लीजिए, यहाँ पूरा आंसर दिया गया आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में आंसर दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक के थ्री का आंसर है पे बच्चों, है ना, एक के और थ्री के का आंसर इस तरीके में बांटा गया है ना। यहाँ देख लीजिए पहला का ये आपका आंसर है पहले जो गध्यान से, दूसरा नंबर का ध्यान देख लीजिए एक का बह है, ब के एक का जो क का आंसर है भारत से, फिर एक के ब का एक दूसरा एक का ख का आंसर देख लीजिए छात्रा। तो इस तरीके से फिर बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक के ब का दो का आंसर है, एक के ब का दो का आंसर है ना फिर बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं आंसर सेवा में, तो इसका हम देख लेते पहले, ये थोड़ा दोनों का ध्यान से हो गया ना, आप इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जो है संस्कृत पत्र लिखना है ना, अब तो संस्कृत में हमको पत्र लिखना है पहले बच्चे, जो 8 नंबर का रहता। ठीक है, तो 8 नंबर का देखिए यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लिखा है ना, यानी कि दिए हुआ यहाँ पे क्या निम्नलिखित में से किन दो प्रश्नों का उत्तर लिखा है ना पहले बच्चों। तो यहाँ देखिए अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखा है ना, ये एक हो गया। अगला, विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। अगला, 3 नंबर है कि कोरोना महामारी से बचाव की
आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखा ना, ये था। अगला है, संस्कृत में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन हेतु अपने वर्ग अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखे, इस तरीके से दिया हुआ। और यहाँ पर देखिए संस्कृत अनुच्छेद लिखना, संस्कृत में एक अनुच्छेद में सब्जेक्टिव लिखना होता है, जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखे ना, जैसे देखिए संस्कृत रामा है, सरस्वती पूजा है, ख ख रामायणम वर्षा ऋतु, इस तरीके से। और देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किसी 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें, 6 वाक्यों का इसमें संस्कृत में अनुवाद करना। और लघु उत्तर क्वेश्चन बुक में से अधोलिखित में से किसी 8 प्रश्नों के उत्तर देना, 16 क्वेश्चन पेपर बच्चों इसमें से आपका सिर्फ 8 को जवाब देना है जो आपको याद है ना। देखिए जैसे पूरा क्वेश्चन जो भी है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सब्जेक्टिव पूरा देख लीजिए, पूरा देख लीजिए आप, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ पूरा क्वेश्चन का, ठीक है। कैसे आपको आंसर याद होना, याद करना और डाउनलोड करना। तो फिर जो देखिए 2 का 1 का आंसर देखिए श्रीमान प्राध्यापक महोदय माध्यमिक उच्च विद्यालय पटना विषय अनुपस्थित है, माफ करना, तो पूरा दिया हुआ जो देख लीजिएगा। ओके यहाँ पे नीचे वाला देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक है आप लोग देख लीजिएगा, 3 के घ का देख लीजिए पहले आंसर ये है, 4 के घ का, 4 के ख का, 4 का घ का, 4 का घ का, 4 का य, 4 का च, ठीक है। लघु उत्तर प्रश्न है क का आंसर देख लीजिए, अगला 5 के घ का, 5 के घ का, 5 का च का, 5 के छ का, पूरा आप लोग देख लीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको पहले उसका डाउनलोड करना, ठीक है, देख लीजिए है ना पूरा पहले। तो इसका आप चलते सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना। तो फिर बच्चों डाउनलोड करने के लिए आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव अपने मान गूगल क्रोम को इस तरीके से ओपन करना है, सर्च वाला ऑप्शन है आपको क्लिक करना है, लिखना है POINT:OF study STUDY और STM, ठीक है, लिखना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है, जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा पॉइंट ऑफ स्टडी, क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऊपर की ओर इस तरीके से स्क्रॉल आउट करना है बच्चों, देख लीजिए, और नीचे आना है, ठीक है, नीचे चलना है बच्चों, यहाँ देख लीजिए नीचे आना आपको इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे क्लास 9 का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लास 9 के फाइनल एग्जाम का सभी क्वेश्चन का हुआ तो वायरल, तो इस पर आपको क्लिक करना है बच्चों। चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ अगला इंटरफेस इस तरीके से खुल जाएगा, हमको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों और नीचे आना, देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको हर एक चीज़ उपलब्ध मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए डाउनलोड ओनर शिप वगैरह है, अब 9वीं का सब्जेक्ट 9th ऑल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक है। तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा संस्कृत का बच्चों, तो संस्कृत के सामने देख लीजिए क्लिक हेयर का ऑप्शन है, हमको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, हम ऊपर की उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से, ठीक है, नीचे आएंगे इस तरीके से, नीचे आएंगे यहाँ पूरा आंसर के प्रोवाइड करा देगा बच्चों, देख लीजिए। और बात कर लेते हैं इसका सब्जेक्टिव का आंसर, तो नीचे देखिए लिंक से आप संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं, देख लीजिए संस्कृत का सब्जेक्टिव आंसर क्या है, तो आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन डाउनलोड पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे तो क्लिक कीजिएगा अगला पेज इस तरीके से आपका खुल जाएगा, आपको नीचे की ओर उसको डाउनलोड पर बच्चों करना इस तरीके से, देख लीजिए और नीचे आना, ठीक है, नीचे आइएगा। यहाँ पर दिए हुआ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पीडीएफ है ना, तो आइएगा नीचे, यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ। और यहाँ देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड वाला ऑप्शन है ना, उसके सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन होगा, देख लीजिए ये है ना क्लिक हेयर इसके सामने, तो हमको इस पर क्लिक करना डाउनलोड करने के लिए ना, जैसे क्लिक करेंगे ना तो हमारा डाउनलोड होगा, परमिशन मांगे ओके कर देंगे डाउनलोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप सभी का धन्यवाद।